आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। और लक्ष्मी तो चंचल है, संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगले श्लोक में श्री चाणक्य कहते हैं कि जहाँ धनी वैदिक ब्राह्मण राजा नदी और वैद ये पांच न हो, वहाँ एक दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जिस जगह पर इन पांचों का अभाव हो, वहाँ मनुष्य को एक दिन भी ठहरना उत्तम नहीं होगा। जहाँ धनी व्यक्ति होंगे वहाँ व्यापार अच्छा होगा, जहाँ व्यापार अच्छा होगा तो वहाँ आजीविका के साधन भी अच्छे होंगे। जहाँ श्रुतियों अर्थात वेदों की ज्ञाता ब्राह्मण होगी, वहाँ मनुष्य जीवन की धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से फैले हुए होंगे। जहाँ स्वच्छ जल की नदियाँ होंगी वहाँ जल का अभाव नहीं रहेगा। और जहाँ कुशल वैद्य होंगे वहाँ बीमारी पास में नहीं आ सकती। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि जहाँ जीविका भय लज्जा चतुराई और त्याग की भावना ये पांच चीज ना हो, वहाँ के लोगों का साथ कभी ना करें। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर जीवन यापन के साधन ना हो, जहाँ सदैव भय की परिस्थिति बनी रहती हो, जहाँ लज्जाशील व्यक्तियों की जगह बेशर्म और खुदगर्ज लोग रहते हो, जहाँ कला कौशल और हस्तशिल्प का सर्वदा अभाव हो और जहाँ के लोगों के मन में सराबी त्याग और परोपकार की भावनाएं ना हो, वहाँ के लोगों के साथ न तो रहे और न ही उनसे कोई व्यवहार रखे। श्री चाणक्य कहते हैं कि नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्तों को विपरीत परिस्थितियों में और अपने स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए अर्थात उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। चाणक्य ने समय समय पर अपने सेवकों भाई बंधुओं मित्रों और अपनी स्त्री की परीक्षा लेने की बात कही है। समय आने पर ये लोग आपका किस प्रकार साथ देते हैं या देंगे इसकी जांच उनके कार्यों से ही होती है। वास्तव में संसार में मनुष्य का संपर्क अपने सेवकों मित्रों और अपने निकट रहने वाली अपनी पत्नी से होता है। यदि ये लोग छल करने लगे तो जीवन दुर्भर हो जाता है, इसलिए समय समय पर इनकी जांच करना जरूरी है कि कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आगे समझाते हैं कि बीमारी में विपत्ति काल में अकाल के समय दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में और शमशान भूमि में जो सांत रहता है वही सच्चा भाई बंधु अथवा मित्र होता है। श्री चाणक्य समझाते हैं कि जो अपने निश्चित कर्मों तथा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट हो ही जाता है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। किसी ने सही कहा है, आदि को छोड़ सारी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे। जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है उसका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात भाव यही है कि आदमी को उन्हीं कार्यों में अपनी हाथ डालना चाहिए जिन्हें वह पूरा करने की सामर्थ्य रखता हो। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छी रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह सम्मान समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। लंबे नाखून वाले हिंसक पशु, नदियों बड़े बड़े सिंह वाले पशु, शस्त्रधारियों स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगना, लज्जा चौगुनी, साहस छह गुना और काम आठ गुना अधिक होता है।